Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum. Mera naam Naila Mir hai. Main ek psychologist hoon by profession. Aur aaj ka hamara mauzu hai apne taluqaat aur rishton ko kaise behtar banana hai. आप सब जानते हैं कि आजकल हमारे माशरे में चीज़ों की लगन और चीज़ों की जस्तजू के पीछे हम बहुत ज़्यादा अपना वक्त भी और अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको भी इस्तेमाल करते हैं. हम समझते हैं कि चीज़ों के आने से या मटेरियल के आने से हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खुशी हमें तब मिलती है जब हमारे ताल्लुकात और हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं. बिकॉज़ रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच मटेरियल वी हैव, अगर हमारे ताल्लुकात आपस में अच्छे नहीं हैं तो हम खुशी महसूस नहीं कर सकते. तो आज हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे अपने घर के अंदर अपने ताल्लुकात को कैसे अच्छा रखना है, और ये मर्द और औरतों दोनों के लिए है. सबसे पहले मियाँ बीवी के ताल्लुकात की अगर हम बात करें तो उसमें जो मुश्किलात और रुकावटें आजकल मैं देखती हूँ वो यही हैं कि हम एक दूसरे पर तवज्जो नहीं दे रहे, एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी ख़त्म हो गई है, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट का एलिमेंट ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से दो अच्छे लोग एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुक़ नहीं बना सकते. ख़वातीन अपने तौर पे अपने कामों में उलझी रहती हैं, या घरों में, या शॉपिंग में, या कई दफ़ा टीवी पे, सोशल मीडिया पे अपना वक्त गुजार के, और मर्द हज़रात जो हैं वो अपना ज़्यादातर वक्त दफातर में दोस्तों के साथ या और जो उनके ज़िंदगी के शगल हैं उनमें गुजार रहे होते हैं. तो बज़ाहिर तो सब इकट्ठे रह रहे होते हैं लेकिन आपस का ताल्लुक अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से एक बिला वजह तनाव और बिला वजह एक बोझ दोनों के सर पे रहता है. तो छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम अपने ताल्लुकात अच्छे बना सकते हैं. सबसे पहले तो रिस्पेक्ट. मर्द और औरत एक रिश्ते में ज़रूर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट ख़त्म कर दें. मर्दों को भी चाहिए कि वो ख़वातीन जो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं उनको रिस्पेक्ट दें, उनको प्यार से उनके साथ पेश आएँ, केयर के साथ पेश आएँ, एम्पथाइज़ करें. जैसे अगर मर्द कहेगा कि तुमने कुछ नहीं किया है सारा दिन तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत कुछ कर रही है जो आपको नज़र नहीं आ रहा. तो इसी तरह से ख़वातीन अगर ये समझती हैं कि मर्दों का फ़र्ज़ है कि वो उनके लिए कमा के लाएँ और उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, तो ये भी थोड़ा सा गलत हो जाएगा. तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ सच्चाई से बात करें. मर्द कई दफ़ा ये समझते हैं कि ख़वातीन को मिस इन्फॉर्म करना या उनको आधी इन्फॉर्मेशन दे देना उनको उनकी मुश्किलात से बचाएगा. वो वक्ती तौर पे हो सकता है कि ख़वातीन परेशान ना हो या अपसेट ना हो, लेकिन जब बाद में चीज़ें उनके सामने आती हैं तो एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट जो एक रिलेशनशिप का एक ज़रूरी एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाता है. तो बात को सच से ज़ाहिर करें, उनके साथ केयरिंग तरीके से पेश आएं, एम्पथाइज़ करें एक दूसरे के साथ, और प्यार और मोहब्बत और कंपैशन दिलों में पैदा करें. कंपैशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिलों में ख़त्म हो गया, बिकॉज़ हमने जब अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा होगा, हमारे सामने लैपटॉप होगा, या हम टीवी पे अपने शुगल की चीज़ें देख रहे होंगे, तो आपस का जो केयर और प्यार मोहब्बत का रिश्ता है वो ख़त्म होता चला जा रहा है. सो कोशिश ये करें कि एक दूसरे के साथ फॉरगिवनेस से काम करें, केयर से काम करें, रिस्पेक्ट से काम करें, और एक दूसरे को अहम जानें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि यही घर है जो आपकी भी जन्नत है और आपकी फ़ैमिली के लिए भी जन्नत है. और इस जन्नत को हम सब ने मिलके बनाना है. ये ऐसे नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि मेरे हकूक़ मुझे मिल जाएं और मैं अपने फ़राइज़ पूरे ना करूँ. तो अगर मुझे अपने हकूक़ चाहिए तो उसके लिए मुझे अपने फ़राइज़ को भी पूरा करना है, एक दूसरे के साथ केयर से पेश आना है, मोहब्बत से, कंपैशन से और रिस्पेक्ट से. थैंक यू सो मच.